मेरी कहानी का शीर्षक है स्त्री का अपना घर कौन सा। शुभम अपने मायके के दरवाजे पर खड़ी थी, पर उसके लिए दरवाजा खोलने वाला शायद कोई था ही नहीं। शुभम एक मध्यम परिवार में पली बड़ी हुई लड़की थी। माँ बाप का देहांत बहुत समय पहले ही हो गया था, इसीलिए 18-19 की उम्र में ही शादी कर दी गई। भाई भावज ने अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए कह दिया था, देखो बहन, हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, सो वही तुम्हारा घर है, उसे ही अपना समझा, उसे ही सर माथे पर रखना, पति का कहना मानना, सास ससुर की सेवा करना, किशोर जी जो कमा कर लाएं उसी से ही अपना घर चलाना व उसमें से कुछ बचा कर भी रखना, यही हमारी शिक्षा है तुम्हारे लिए। अब कभी हमारे घर आओ तो अपने पति के साथ ही आना, जैसे भी रखे तुम्हें वहीं रहना है। शुभम के मन में एक नया परिवार, एक नया सहारा, एक नया रिश्ता मिलने की जहां खुशियां थीं, वहीं दुख भी था। अपनी गालों पर बहते हुए आंसुओं को साथ लिए पति के आंगन में कदम रख ही दिया। समय के सुनहरी पलों में शुभम अपने मायके को लगभग भूल ही गई थी, पर समय तो जैसे अपने रंग तरह तरह के दिखाता ही है। किसी की नज़र लग गई जाती है या भगवान को खाली बैठे बैठे कुछ नमकीन देखने का भी शायद मन करता है। किशोर अपनी शुभम को बहुत स्नेह करता था, पर जैसे ही बालक होता है तो क्यों औरत को आदमी के लिए समय देने में आनाकानी होती है, कारण बच्चा। दिन रात की नोकझोंक कब क्या हो जाता है किसी को कुछ नहीं पता चलता। मन होता है कि चंचल अपनी जन्म जन्म का साथ देने वाली की तरफ से कब तक विपरीत जाने लगता है, उसे भी मालूम नहीं होता। सोचता है कि कुछ नहीं होता, किसी को नहीं पता चलेगा, पर कहते हैं ना, समय को तो पता होता ही है। फिर समय आता है कि कौन जीतता है कौन हारता है। किसी ने सच कहा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही हुआ किशोर के साथ भी। जिसके साथ बाहर संबंध बनाए थे वह चाहने लगी कि वह भी उसके साथ साथ उसके घर में रहेगी। तब किशोर ने कहा कि वह शादीशुदा है। तब मोनिका ने कहा, पहले सोचना चाहिए था, अब वह उसके बिना एक पल नहीं रह सकती। तब किशोर ने अपने माता पिता से कहा तो उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता, पर जवानी के खून को शायद कभी कभी माँ बाप भी नहीं रोक पाते। और किशोर मोनिका को अपने घर ले आया, इकलौता बेटा। वही घर चला रहा था, कैसे कहते, ज्यादा और क्या कहते, आखिर चुप हो गए। किशोर और शोभा का बेटा जो अभी 1 साल का ही हुआ था, किशोर उसकी तरफ से लापरवाह हो गया था। मोनिका ने किशोर को कह दिया था कि क्या मैं बांझ हूं जो आपका एक बच्चा नहीं दे सकती थी। किशोर को मोनिका अपनी वही जीवन साथी लगती थी जिसे वह कभी ख्वाबों में ही देखता था, इसीलिए वह सोचता कि मैं खुश हूं, मुझे क्या। शुभम किशोर से कुछ कह देती तो वह कह देता, देखो शुभम, ये सब तुम्हें सहना ही होगा, मैं मोनिका के बिना नहीं रह सकता, और यदि तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो या फिर अपने घर चली जाओ। शुभम के मुंह से निकला, अपना घर, भाई कहता है पति का घर अपना होता है, और अब आप कह रहे हो कि मैं अपने घर चली जाऊं। कौन सा घर, मेरा अपना है, क्या आप मुझे बता सकते हो। किशोर जो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था इसीलिए बोला, मुझे कुछ नहीं मालूम कौन सा तुम्हारा घर है, यदि तुम इसे मानती हो तो यहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हारे खाने पीने का खर्चा उठा सकता हूँ। शुभम बोली, पर किस अधिकार से, आपकी पत्नी के अधिकार से या फिर। किशोर, क्या फिर घर का काम करो, ऐसे तो रह नहीं सकती, माँ बापों की सेवा करो, तुम्हारा समय निकल जाएगा, ज्यादा कुछ तो जा सकती हो।
शुभम सोच रही थी, आज ये बेरुखी है, क्या जाने क्या होगा। जिस रिश्ते से यहाँ आई थी वो रिश्ता तो रहा नहीं, एक नौकरानी का रिश्ता रह गया है। नौकरानी ही बनना है तो इस घर की क्यों, जहाँ रोज अपने पति को किसी और के हाथों बटते हुए देखूं और रोज जलूं, क्यों ना भाई के घर चली जाऊं। यही सोच वह अपने भाई के घर आई थी, पर भाई भावस ने भी कहा, आप जितने दिन रहना चाहो रह सकती हो, पर ऐसे कब तक चल पाएगा। भाई ने किशोर जी से बात की तो किशोर जी ने कहा कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ। भाई निरुत्तर हो गया, क्या कहे, किशोर के लिए खेल था जैसे शादी, और तलाक पर क्या कहता। शुभम का भाई कुछ समय में तलाक हो गया। अब रिश्तेदारों की सहानुभूति शुभम को रो भेज दो कि भाई के घर पड़ी है। आज यही सोच वह अपने छोटे से बच्चे को लेकर निकल गई अपना घर खोजने के लिए। एक घर पति का, एक भाई का, मेरा घर कौन सा है। पर अंदर से आवाज़ आती है कि हे मेरे भाई, तू ही कह दे कि ये घर तेरा और मेरा दोनों का है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। वह इसी उधेड़ भून में अपने मन को पक्का कर आगे निकल गई। देर तक चलती गई, तब उसे एक पालना नाम का अनाथालय दिखाई दिया। सोचा, इतने बड़े शहर में कहाँ जाएगी, क्यों ना वह अपने बच्चे को इस पालने में रख दे, वह बाद में उसी अनाथालय में काम मांग ले। यही सोच उसने अपने बच्चे को उस पालने में रख दिया। अपने बच्चे को छोड़ते हुए दिल में बहुत दर्द हुआ, पर कम पढ़ी लिखी खुद बेसहारा उस नन्हे बच्चे के लिए कहाँ से कुछ दे पाएगी। सोचा, जब बाप ने ही मुंह फेर लिया तो मैं कब तक इसे कुछ दे पाऊंगी, या कुछ समय बाद उसे अपना लूंगी। बच्चे को कोई अंदर से आया और ले गया, और शुभम दूर से ये सब देख रही थी। कुछ समय बाद वह वहां गई और अपने लिए कुछ काम मांगा तो पाया कि वहां किसी भी काम की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं सामने उसका बच्चा था जो रोए जा रहा था। तब शुभम ने कहा कि आप कहें तो एक बार इस बच्चे को मैं अपनी गोद में ले सकती हूँ। वहीं पास में इस अनाथालय को चलाने वाले प्रोफेसर कांत खड़े थे। उनकी अनुभवी निगाह ने देखा कि बच्चा शुभम की गोद में जाते ही चुप हो गया। तब वहां के कर्मचारी ने शुभम से पूछा, क्या तुम बच्चे का ध्यान रख लोगी। तब शुभम ने कहा, हाँ हाँ रख लूंगी। और उसे तब कहा गया, आज से तुम यहीं रहो, यहीं खाओ, इसे अपना घर मानो, ये तुम्हारा घर है। तब शुभम सोचने लगी कि क्या सच ये मेरा घर है, क्या कल को कोई मेरी एक गलती इस घर को भी मुझसे छीन नहीं लेगी, शायद हाँ। तब शुभम ने पूछा, क्या मुझे कुछ मंथली भी देंगे। तब प्रोफेसर कांत ने कहा, हाँ हम तुम्हें तुम्हारा पारिश्रमिक भी देंगे। आज शुभम के पास अपना बच्चा भी था, पर उस बच्चे के पास होने से उसे किशोर की बेवफाई भी याद रहती है। पर अब उसके हाथ में कुछ पैसे आने लगे, इसीलिए एक नए सपने का ख्वाब देखने लगी। कुछ समय बाद उसके पास इतने पैसे हो गए कि उसने अपने पैसों से एक कमरे का छोटा सा घर खरीदा। तब वह प्रोफेसर कांत की इजाजत से अपने बच्चे के साथ उस घर में रहने चली गई। और उधर शुभम के भाई को शुभम की चिट्ठी मिली थी कि भाई मैं अपना घर ढूंढने जा रही हूँ, कौन सा घर होगा, कब होगा पता नहीं। आज पूरे 5 साल बाद शुभम की चिट्ठी मिली शुभम के भाई को कि भाई मैंने भी अपना घर बना लिया है, आप चाहो तो यहाँ मेरे घर आकर रह सकते हो, मेरा भी सर आज अपनी मेहनत की कमाई से बनाया हुआ छोटा सा पर अपना है, आज मेरा सर फक्र से ऊंचा हो गया है कि मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ।
पर अनेक सपने टूट गए इस घर को पाने के लिए। पर आज शुभम को इस घर से निकालने वाला कोई भी नहीं है, ना मोनिका, ना किशोर, ना और कोई अन्य।